सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। किसान मित्रों, मैं नरेश चिकारा फ्रॉम इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल आज आपके लिए लेकर आया हूं। सभी ब्रांड के ट्रैक्टरों में 540 आरपीएम ही क्यों होते हैं? शुरुआती दिनों में जब ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हुए तो उनमें कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि आप खड़े ट्रैक्टर से कोई इक्विपमेंट चला सको, जैसे रूटावेटर, स्टार रैपर, थनेसर, जनरेटर इत्यादि। तो धीरे धीरे जब ट्रैक्टर में सुधार होने स्टार्ट हुए तो 1918 में IHC इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी लाइव पीटीओ लेकर आई, यानी कि लाइव पीटीओ का आविष्कार इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी ने किया था 1918 में। फिर इसी तरह से सभी कंपनियों ने अपने ट्रैक्टरों में पीटीओ डालनी स्टार्ट कर दी, सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों में पीटीओ साफ आने लगी, लेकिन उसके राउंड सेलेक्ट किसी ने नहीं किए। फिर ट्रैक्टरों में दोबारा से सुधार करने स्टार्ट किए तो ASAE अमेरिका सोसाइटी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने 1927 में 540 पीटीओ स्टैंडर्ड अपनाया, जिसे बाद में सभी कंपनियों ने अपना लिया। उसी कंपनी की हुई ये खोज थी कि सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के अंदर जो है 540 आरपीएम ही क्यों होते हैं। उससे सुधार ये हुआ कि जब भी किसान भाइयों को अपने ट्रैक्टर से कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना हो तो उनको पता लग गया कि हमारे ट्रैक्टर से जो है 540 आरपीएम निकल रहे हैं। अपने एम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से वो अपने ट्रैक्टर के आरपीएम घटाया बढ़ा सकता है, पुली को छोटी या बड़ी करके। उसके बाद में जहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम होता है वहाँ पर 1000 आरपीएम दिए जाते हैं, जिसको हम इकोनॉमी पीटीओ कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि 540 पीटीओ राउंड्स क्यों सिलेक्ट किए गए थे और किस तरह से सिलेक्ट हुए और कब सिलेक्ट हुए। आशा करता हूं सभी किसान मित्रों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जो किसान मित्र चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को एक्टिव कर ले ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले देख सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।